क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल अपर्णा तन्वर मेकओवर। आप देखकर समझ ही गए होंगे, आज जो है मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है ये ब्राइडल लुक ब्यूटीफुल सा, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्रोडक्ट्स से क्रिएट किया है मैंने। और एक जो वीडियो मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो बताए थे, पूरी एक किट बताई थी जो बिगनर्स के लिए किट है, बहुत रीजनेबल किट थी, वो जो है पहली वीडियो में है और ये जो है उसका सेकेंड पार्ट है। सो उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन पर दे रही हूँ, इन केस अगर आपने मिस कर दी है तो पहले आप जाकर प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखिए, देन आप जो है ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो ये जो ब्यूटीफुल सा लुक है मैंने क्रिएट किया है, ये कैसे क्रिएट किया है ये देखते हैं। बट उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और आप डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, दैट इज तन्वर अपर्णा। और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और राइट, सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से। मैं आप टोनर अप्लाई कर रही हूँ, ये काया का टोनर है। सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आईज़ के लिए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और लॉरियल का यही कंसीलर जो है एज अ प्राइमर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है यूरोप गर्ल की पैलेट, आई शेडो पैलेट। और ये पैलेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शो की थी कि ये सबसे अच्छी पैलेट है फॉर बिगनर्स, और जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इससे ब्राइडल लुक क्रिएट करने के लिए आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। सो यहाँ सबसे पहले मैंने लाइट शेड लिया, देन मैंने ये डार्क शेड लिया है यहाँ पर, और एक फ्लफी ब्रश से जो है मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से ब्लेंड करना आई शेडो को। इसी पैलेट का सेम ये गोल्डन शेड है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है, आप देख ही रहे होंगे। सो ये आप किसी भी ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ अ यूनिवर्सल शेड जो कि आप लाइट स्किन टोन पर भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क और मीडियम, हर तरीके के स्किन पर जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटर, ये टोटली ऑप्शनल है। ये इट्यूड का ग्लिटर है और ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत रीजनेबल रेट पर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सो ये सबसे पहले मैं ग्ल्यू लगा रही हूँ, ग्लिटर ग्लू, एंड आप ग्लिटर देख रहे हैं इट्यूड का कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ग्लिटर बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा महंगी किसी कंपनी के ग्लिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वाला ग्लिटर भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा लुक निकल के आता है, बहुत अच्छा सा आपका आईज़ पे जो स्पार्कल है वो बहुत अच्छी लगती है। आप देख ही रहे हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये ग्लिटर है। आई लाइनर लगा रही हूँ और आई लाइनर लगा कर मैं इसको स्मच कर दूंगी, क्योंकि हम एक स्मोकी सा लुक दे रहे हैं, बहुत एक मिनिमल सा मेकअप कर रही हूँ जो आप ब्राइडल्स पे आजकल जो ब्राइडल्स बहुत पसंद करती हैं, बिल्कुल वही लुक है। और सबसे पहले लाइनर लगाने के बाद मैं इसको मर्ज कर दूंगी। यहाँ पे मैंने यही वही ब्रश यूज़ किए हैं सारे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी दिखाए हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी। नाउ टाइम टू क्लीन माई फेस, एक ग्लिटर आपको क्लीन भी करना पड़ेगा क्योंकि फॉलोड बहुत हुआ है। और अब मैं सेम यही हाइलाइटर ले रही हूँ पैक का, और पैक का हाइलाइटर जो है ये मैं पूरे अपने लुक में यही यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये और इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। अब फेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं ले रही हूँ मिनिमलिस्ट का ये विटामिन सी सीरम, जो काफ़ी अच्छा है और आप अपनी ब्राइड्स पर यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स पर यूज़ कर सकते हैं, अपने प्राइवेटली भी, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप अपनी ब्राइड्स पर लगाते हैं, अपने क्लाइंट्स पर लगाते हैं, तो आपको इंस्टेंटली जो है एक ग्लो देखने को मिलेगा जब आप इस वक्त मेरे फेस पर देख रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्लो। और सीरम्स जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं, और मैं शीट मास्क जो है नहीं यूज़ करती हूँ, वो मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। अब सेम वही विटामिन सी का जो है मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, ये सेंट बोटानिका का विटामिन सी सीरम मॉइस्चराइज़र है, सॉरी विटामिन सी मॉइस्चराइज़र है। सो ये आपको सिर्फ वन पंप लेना है, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो नोज़ पर से टोटली अवॉइड कीजिए। आप नोज़ पर मत लगाइएगा, बाकी पूरे फेस पर जो है आप इसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। और इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा ग्लो दिख रहा है। प्राइमर वही कलर बार का मैंने लिया है, सभी वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। सो अगर किसी ने भी नहीं देखी है तो मैं अगेन फिर बोल रही हूँ, एक बार जाकर आप वो वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फाउंडेशन भी मैंने ऐसा लिया है जो कि हमारी इंडियन मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, दिस इज़
कलर सुपर स्टे फाउंडेशन है ये, और इसको बहुत थोड़ा थोड़ा आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जितना आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा नेचुरल लुक जो है वो आपका निकल के आएगा और उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाउंडेशन लगाने की एक टेक्निक होती है, अगर आप वो टेक्निक अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है, आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। सो ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी जो है फाउंडेशन लगाएं उसको अच्छे से ब्लेंड करें। हाँ, मैंने ब्लेंडर लिया है ब्लेंड करने के लिए, और अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका जो लुक है वो अलग ही निकल के आएगा। कंसीलर सेम वही लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ब्राइट कंसीलर मैंने नहीं लिया है। जितना आप मिनिमल जो प्रोडक्ट है वो लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतना ज़्यादा अच्छा आपका लुक निकल के आएगा, उतना ज़्यादा नेचुरल लगेगा। क्योंकि आजकल जो ब्राइडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा किकी मेकअप नहीं बोलते हैं, कहती हैं हमें थुपा हुआ मेकअप नहीं चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए बहुत नेचुरल सा लुक चाहिए हमें। सो ये लुक जो है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको एकदम नेचुरल ग्लोइंग लुक चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ अप्लाई नहीं किए हैं। और अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है और आपकी आईज़ के नीचे की कवरेज हो जाएगी। यहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर नहीं लिया है क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है करेक्टिंग की, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और उसके तुरंत बाद ही इंस्टेंटली मैंने जो है पाउडर से अपने अंडर आइज़ जो है वो सेट कर लिए हैं ताकि क्रीजिंग ना हो और अच्छा आपका जो है लुक वो निकल के आए। आईब्रोज को सेट करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर की ये आई शेडो पैलेट, और इसका ये ग्रे शेड मैं ले रही हूँ जो कि मेरे आईब्रोज के लिए परफेक्टली सूटेबल है। और इस तरीके के एंगुलर ब्रश से जो है आप अपनी आईब्रोज सेट कर सकते हैं। आपको आईब्रोज सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉ पोमेड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास इस तरीके के शेड्स हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मैंने अपनी वीडियोस में और भी यूज़ किया है। सो उसके बाद जो है मैं अपने जो आईब्रोज हैं उनको अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ द स्पूली, और अब जो है मैं जो है फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने शुगर का ब्रॉन्जर लिया है और ये ब्रश जो है पैक का है, और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप इस तरीके से पहले अपना एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको ब्लेंड करेंगे तो आपको इजीली जो है आपकी जो कॉन्टोरिंग है वो हो जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। सो इस तरीके से आप जो है फेस को कॉन्टोर कर सकते हैं। नोज़ कंट्रोल के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है ये इस तरीके के स्मॉल ब्रशेज़ यूज़ कीजिए, सॉफ्ट ब्रशेज़ यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ नोज़ कंट्रोल बहुत बड़े ब्रश से अच्छी नहीं लगती है। अब है टाइम ब्लश लगाने का, और ये क्यूटी क्यूटी सा ब्लश जो है वो है के ब्यूटी का ब्लश जो कि काफ़ी अच्छा है, और आपको एक ब्लश जो है वो काफ़ी रहेगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। ऑलराइट, आईज़ के नीचे वही दो शेड सेम शेड मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने अपर आईलिड्स पर यूज़ किए थे, और जो लाइन क्रिएट की थी वही सेम दो शेड, पहले लाइट ब्राउन एंड देन डार्क ब्राउन शेड। टाइम फॉर आई लैशेज गाइज, और ब्यूटिफुल सी आई लैशेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी पसंदीदा आई लैशेज हो वो आप लगा सकते हैं। ऑल राइट, आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटिफुल आई लुक लग रहा है यहाँ पर। आप जो है आई लैशेज को सेट करने के लिए यहाँ मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपकी आईज जो है वो बिल्कुल ओके हो जाते हैं और एकदम आपके जो नेचुरल लैशेज में है वो मर्ज कर जाती हैं आपने जो आर्टिफिशियल आई लैशेज लगाई होती हैं। लिपस्टिक के लिए मैं एक डार्क सा शेड ले रही हूँ डार्क ब्राउन, एंड देन मैंने एक न्यूड शेड लिया है ये NYX का एक लिप क्रेयॉन है, एंड मैं इसको लगाने के बाद मर्ज किया है ब्रश से। सो आप देख सकते हैं क्लियरली लुक जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, लिपस्टिक शेड अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो डार्क शेड भी ले सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी ब्राइड्स जो है वो न्यूड शेड्स जो है वो प्रेफर करती हैं, दैट्स व्हाई आई टुक दिस न्यूड शेड। और वही सेम हाइलाइटर, पैक का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइलाइटिंग हो रही है इससे। आप एक हाइलाइटर से पूरा कंप्लीट लुक कर सकते हैं अपना, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला हाइलाइटर। नोज़ हाइलाइटिंग आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अच्छे से चूज़ करेंगे तो आपका लुक अपने आप अच्छा निकल के आएगा। ये है पैक का मेकअप फिक्सर वाइट वाला, और इसको लगाते ही एकदम इंस्टेंटली बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसे सजेस्ट करूँगी कि ये आप अपने किट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। और ये हमारा हो गया है लुक कम्प्लीट, एंड आप देख सकते हैं
और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा तड़कता भड़कता मेकअप नहीं किया है, बहुत मिनिमल सा हर प्रोडक्ट का यूज़ किया है, और जो कि आजकल की मांग होती है ब्राइडल्स की कि हमें बहुत ज़्यादा लिपा पुता मेकअप नहीं चाहिए, मैंने वो लुक किया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। सिर्फ ज्वेलरी की कमी है एंड दिस इज़ द कम्प्लीट लुक। हेयर स्टाइलिंग की वीडियो मैंने छोटी सी एक रील वीडियो डाली है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, आप जाकर वो देख सकते हैं मैंने कैसे जो है हेयर स्टाइल बनाया है अपना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको पहले ही बताया है, तनवर अपर्णा, जहाँ मैं काफ़ी अपडेट्स देती रहती हूँ, डेली अपडेट्स आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट गाइज, आई होप आज की वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरे मोटिवेशन के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।